अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस ने हम सबको घरों में बिठा दिया। काम करने वाले, पढ़ने वाले, बिजनेस करने वाले, हर तरह के लोग अपने घरों में महदूद होकर रह गए सेल्फ आइसोलेशन मेंटेन करने के लिए। अब ऐसे में कारोबारी जिंदगी को रोकना इंतहाई मुश्किल काम था और लोगों ने मुतअद्दिद चीजें ढूंढना शुरू की कि किस तरीके से अपने ग्राउंड लेवल चीजों को वर्चुअल लेवल के ऊपर लेकर आए या डिजिटल वर्ल्ड से अपने आप को हम आहंग करें। तो उसमें उनके पास कम्युनिकेशन वॉज द फर्स्ट थिंग जो उनको प्रॉब्लम आ रहा था, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने जूम का इंतखाब करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जूम आपको ऑप्शन देता है कि आप तो अपना लॉगिन बना ले, लेकिन जरूरी नहीं कि जो सामने आने वाला है वो भी अपना लॉगिन करके ही आ रहा हो, वो आपका एक मीटिंग इन्वाइट के थ्रू आराम से आ सकता है। हालांकि टाइप जैसे जो सोल्यूशन है उसमें आप दोनों को लॉगिन पासवर्ड बनाना पड़ता है, उसके बाद ही आप आ सकते हैं। लॉगिन पासवर्ड आपको नया बनाना पड़ता है तो लाइव के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी लिमिटेशन है। नॉट एवरीवन हैज दोस ईमेल अकाउंट्स। अगर आपको किसी अजनबी से, किसी नए शख्स से बात करनी है तो फौरी तौर पर उसको मीटिंग में बुलाने का तरीका जूम है, जहां से आप सिर्फ एक URL भेज के उसको मीटिंग में बुला लेते हैं। अच्छा, अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मुतअद्दिद स्कूल जिनके प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं थे उन्होंने भी जूम का इंतखाब किया। लोगों की कंपनी मीटिंग्स थी वो जूम के ऊपर होना शुरू हो गई। ऐसे में सिंस यू आर ओनली प्रोवाइडिंग अ URL, तो अक्सर अवकात सिंस स्कूल पीपल आर नॉट दैट टेक सेवी, उन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर उस URL को लगा दिया कि बच्चे को क्लिक करके ज्वाइन कर लें। ऐसे में मैसाचुसेट्स से दो तीन केसेस इस तरीके के रिपोर्ट हुए कि कोई अजनबी उनकी मीटिंग रूम में आ गया जबकि टीचर बच्चों को क्लास पढ़ा रही थी और उसने कुछ फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, विच वॉज ऑफ कोर्स नॉट हेल्दी इवन फॉर द टीचर्स और फॉर द किड्स। जूम को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने अपने फीचर्स को स्ट्रॉन्ग किया। आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग अपने जूम को अपडेट करें और आपके पास बहुत सारी चीजें आपको नजर आना शुरू होंगी कि सिक्योरिटी एनहांस हो गई है। आज हम इसी मौजूद पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सबा मुशर्रफ जो कि IT प्रोफेशनल है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एजाज। अच्छा, आप जूम के बारे में बात कर रहे थे तो बिल्कुल सही कहा आपने दैट यू नो जब से ये कोरोना वायरस का चक्कर शुरू हुआ एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम तो जूम वाज द एप्लीकेशन जो बाय चॉइस हर कोई जिसकी तरफ गया। उसके अंदर जाहिर सी बात है अब जूम एक ऐसा टूल है जो मीटिंग्स के लिए स्पेसिफिकली बना गया था, बट लाइक यू पॉइंटेड आउट अ लॉट ऑफ स्कूल स्टार्टेड देयर एजुकेशन डिलीवरिंग देयर एजुकेशन और लाइव क्लासरूम सेशंस बाय जूम ऑल्सो। तो उसके अंदर जाहिर सी बात है जो जूम के अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से ये हैकर्स वगैरह का केस हुआ। आपने जैसे मेंशन किया कि फाउल लैंग्वेज यूज हुई है, देयर वर ऑल्सो केसेस जिसके अंदर पोर्नोग्राफिक मटीरियल तक उन्होंने एयर किया आफ्टर दे हैक onto the meeting or onto the training session that was going on. So, zahir si baat hai, it became a big concern. Ab isme Zoom ki bhi hum nahi keh sakte entirely galti hai, maybe to some extent ho, because they did not design a tool for the purpose for which it was being used now. To bahut vast tarike se wo use hona shuru gaya, trainings hone lagi uske upar, pure pure live classroom sessions conduct hone lage aur unke free license ko log kyunki free hai bahut zyada use karne lage, halanki uske upar bhi unki 40 minutes ki limitation hai. So this was not an audience that they were catering to, lekin ekdam se you know everything came their way aur main us din padhi thi, I think $160 million ka unko their target will be achieved you know, which they didn't expect ke ekdam se ye jo sab kuch hua in this year. तो जूम ने भी इसके ऊपर बहुत सारे एक्शंस लिए हैं। इनफैक्ट आई थिंक लास्ट वीक उन्होंने एक पैच रिलीज किया जिसकी जिससे मैक के जो यूजर्स हैं जिन जो उनका सिक्योरिटी लूपहोल था वो कवर अप हो जाता है अगर वो अपडेट कर लेते हैं, तो जो हैकर्स उनका मैक का पूरा कंट्रोल ले लेते थे आफ्टर हैक इन वो नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से उनके और पैचेस हैं विच दे आर रोलिंग आउट एंड दे आर कमिटेड टू दिस एंड दे आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग इट। तो जूम के ऊपर भी एक नागहानी आफत आ पड़ी। सिर्फ ये सोचिए कि इतने सारे लोग जो कि एक सड़क पे नहीं जाते थे अब अचानक उस सड़क पे जाना शुरू हो गए तो वहाँ कितना रश हो गया होगा। तो दिस इज सिंपलर वे टू एक्सप्लेन बैंडविड्थ कि उसकी बैंडविड्थ को किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया होगा एंड इवन देन देयर फैसिलिटेटिंग। अच्छा, अब हम लोग जो जूम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्री में यूज कर रहे हैं और जो पेड सोल्यूशन है ऑफकोर्स उसके अंदर वो तमाम इंक्रिप्शन मौजूद है, लेकिन इन हालात में हम कुछ भी अफोर्ड नहीं करना चाहते और हम कोई अपने एक्सपेंसिस को ओवरहेड में तब्दील नहीं करना चाहते। अगेन, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप फ्री यूज करते हुए भी जिनका आप ख्याल रख सकते हैं, जैसे कि आप URL को लोगों को ईमेल करें, फेसबुक पे पढ़ना डालें, पर्सनली भेजें,
और सभा इस तरह की आप क्या नवीन चीजें बता सकती हैं जूम इस्तेमाल करने के हवाले से? जी, एक सजेशन ये है कि जो अपना URL जब ये शेयर कर रहे हैं तो जिस तरह से आपने कहा कि उसको किसी पब्लिक जगह पे ना डालें। सेकंड सजेशन ये है कि मीटिंग जो है उसको लिमिट कर दें, दैट नोबडी कैन जॉइन इन बिफोर द होस्ट हैज जॉइंड इन। इस तरह के मेजर्स ले लें और जो है अपनी अपनी क्लासरूम्स में या जितने लोगों को ऑडियंस को भेज रहे हैं उनको ये कम्युनिकेट करें कि ये लिंक उन्हीं के लिए है, ये लोग सबके शेयर करने के लिए नहीं है। ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द टाइम इन विच यूर सेंडिंग आउट द URL, सेंड इट वेरी क्लोज टू द मीटिंग, यानी सबको पता हो कि इतने बजे आपका सेशन होने वाला है लेकिन उसका URL आप थोड़ा डिले करके ड्यूरिंग दैट सेशन भेजें। और इफ यू कैन मेक अ चैट ग्रुप डिपेंडिंग ऑन यू नो द मीडियम इन विच यू आर शेयरिंग इट, तो उसके ऊपर जस्ट यू नो बिफोर योर मीटिंग कमेंसेस आप वो लिंक भेजते हैं और उसके अंदर जब उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स आपके आ जाएं तो आप उसको आप पासवर्ड इनेबल, इनफैक्ट जूम में ये ऑप्शन है कि यू कैन पुट अ पासवर्ड ऑन योर मीटिंग, आप उसको पासवर्ड इनेबल करें और अपने साथ अपने सेशन के अंदर आपके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर जरूर होना चाहिए इन योर सेशंस, जो जब ऑब्वियसली जो बंदा लेक्चर दे रहा है वो इतनी चीजें साथ मैनेज नहीं कर सकता, तो वो आपकी ऑडियंस को मॉनिटर करे और उसके अंदर जैसे ही वो आइडेंटिफाई करे कि कोई इस किस्म का इंसान या कैंडिडेट आया है जिसको उन्होंने इनवाइट नहीं किया या जो उनकी लिस्ट पे नहीं है, तो उसको फौरन निकाल दें अपने सेशंस के अंदर। तो इस किस्म के मेजर्स हैं जो वो कर सकते हैं। कुछ लोग तो इवन फेसबुक लाइव के ऊपर पढ़ाना शुरू हो रहे हैं, तो दैट्स अ टोटली रॉन्ग स्ट्रेटजी, आप उस पे ना जाएं। Zoom is a better thing. Zoom के अलावा भी टूल्स हैं जो कि पर्टिकुलरली ट्रेनिंग के लिए बनाए गए हैं, उसमें आप स्टूडेंट्स को बाकायदा एनरोल कर सकते हैं और हो सकता है उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी पड़े, जिसकी वजह से अगेन Zoom बेहतर सोल्यूशन है हमारे लिए। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल रखें, द टीचर शुड नॉट बी द एडमिनिस्ट्रेटर, कोई और आप एक साथ में अपना रखें जो कि उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सके उस लिस्ट को, क्योंकि यू ऑफकोर्स नो कि 30 बच्चे या 20 बच्चे जो आने वाले हैं उनके नाम क्या हैं। अगर कोई एजनबी उसके अंदर दाखिल हो रहा है तो आप उसको खुद से किक ऑफ कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के पास तरह के राइट मौजूद होते हैं। तो हमारा मकसद है कि आप सिक्योर रहें और अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको जारी और सारी रखें। आपको इस मसले में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। Stay indoors, stay isolated, stay safe, stay blessed. Love is.